नमस्कार, मैं प्रताप मोटवानी नागपुर से आया हूं। विशेषकर मुंबई में राजीव जी के आग्रह पर मैं यहां पर उनके घर पर आया हूं, और मुझे बताते हुए अत्यधिक आश्चर्य हो रहा है कि मैं करीबन 4 महीने से बायोजिस यूज कर रहा हूं और मुझे इतने चमत्कारी परिणाम मिले हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने इसका नाम संजीवनी बूटी भी रखा है और कभी कभी मैं इसे अलाउद्दीन का चिराग भी बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि जिस तरह अलाउद्दीन के चिराग को घस के कुछ भी चीज मांगो तो मिल जाती थी, तो मैंने देखा कि बायोटिस को भी घस के कुछ भी आप मांगिए, कोई भी स्वास्थ्य की बात मांगिए और वो हमारी पूरी हो जाती है। मुझे करीबन 15-16 साल से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों था, और मेरे मदर फादर को बीपी शुगर होने से मुझे भी बीपी शुगर जो 15-16 साल से आया हुआ था, और 4 महीने पूरा मैं कभी ऐसा दावे के साथ नहीं कर सकता था कि आई विल डाई हेल्दी। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आई विल डाई हेल्दी। इसके पहले हर किसी को तो मौत आना है, समय तो भगवान ने लिखा है, लेकिन इसके पहले मुझे लगता था कि मुझे 15-16 साल से शुगर है, और शुगर को जो है साइलेंट किलर कहा जाता है, वो शरीर के जैसे लीवर, किडनी, हार्ट सबको खाते जाता है और पूरे शरीर को खोखला बना देता है। तो शुगर की बीमारी इतनी खतरनाक है, और डॉक्टर के पास जब अगर आप जाएंगे तो सीधा बोलता है कि आपको डायबिटीज हो गई है, और डायबिटीज आपकी अभी जीवन संगिनी बन गई है, आपकी वाइफ बन गई है, अब आप मरते दम तक इसको जो है पाल के रखना पड़ेगा और ये डायबिटीज आपके शरीर में लगी रहेंगी। तो ऐसी ऐसी डायबिटीज के बारे में जो नागपुर जो हमारा शहर है डायबिटीज की जो है राजधानी माना जाता है। तो मुझे 15-16 साल से जो बीपी शुगर का प्रॉब्लम था, 4 महीने पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका पेनक्रियाज अब काम नहीं करेगा और 16 साल से आपको डायबिटीज है, और आप जो बीपी की गोली लेते हैं वो एक कम पड़ेंगे, आपको 2 गोली लेना पड़ेगा, आपको ब्लड पतला करने के लिए एक एस्पिरिन ए भी लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं काफी दुखी हो गया, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बायोटिस के बारे में बताया, और जब मैंने उनका बायोटिस का पानी पीना चालू कर दिया और टॉर्च से जो पेनक्रियाज पे सेक किया, मुझे हफ्ते 10 दिन में इतना जबरदस्त फायदा हुआ, और आज मुझे 4 महीने हो गया और आज मैंने टेस्ट करवाया तो मैं आज नॉन डायबिटिक हो गया हूँ। मेरी जो 4 टेबलेट लगती थी उसकी जगह अब 2 टेबलेट आ गई है, मेरे ब्लड प्रेशर की जो 2 गोली थी वो आधी गोली पे आ गए हैं, और मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, 50 साल मेरी 51 साल उम्र है, आज तक मेरा हेमोग्लोबिन 9 के ऊपर कभी नहीं गया, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा हेमोग्लोबिन 12.5 हो गया है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने खुद टेस्ट किया और जब उन्होंने मेरा हेमोग्लोबिन देखा तो खुद डॉक्टर ने बायोटिस परचेस की। तो ऐसे ऐसे अनुभव आया और मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया, मेरे सर पे जो आपको बाल दिख रहे हैं ये सब पूरा बायोटिस के कारण हो गए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं पूरे नए बाल उग रहे हैं, मेरे हाथों के बाल जो सफेद थे पूरे काले जो हो गए हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो डायबिटीज पेशेंट रहता है उनके पैरों का सेंसेशन धीरे धीरे कम होते जाता है, पैरों का सेंसेशन कम होते जाता है और अंगूठे में जो है सेंसेशन 10-20% रहता है, लेकिन बायोटिस का पानी पीने के बाद मेरे पैरों में सेंसेशन वापस 80-90% हो गया है, और आज मैं बायोटिस के पानी से नहाता हूँ, अपने घर का खाना भी उससे बनाता हूँ, पीता भी उससे हूँ, मुझे तो फायदा हुआ है, मेरी बेटी, मेरे पूरे परिवार, मेरे पिताजी को और मेरे दोस्त यारों को सबको फायदा हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये 21वीं शताब्दी का चमत्कार है, और बायोटिक्स ने जो है मुझे जो दिया है मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद।